हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर बुक दैट सेव्ड द अर्थ देखने जा रहे हैं, जिसकी ऑथर क्लैरी बायोको हैं। मैं मार्स का रूलर द ग्रेट थिंक टैंक बोल रहा हूँ। आप पहली फुर्सत में ई-ट्यूटर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैप्टर में टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं, हिस्टोरियन, लेफ्टिनेंट आयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, सर्जेंट ओओपी, एपरेंटाइज नूडल और कैप्टन ओमेगा। गुड आफ्टरनून, आप सबका हमारे म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में स्वागत है। 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स भी कहा जाता था, जब हर चीज के लिए बुक हुआ करती थी। एंट ईटर्स से लेकर जूलूस तक हर चीज के बारे में बुक्स थी। बुक्स ही लोगों को सिखाती थी कि कोई काम कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। बुक्स इलस्ट्रेट करती थी, लोगों को एजुकेट करती थी, डिसिप्लिन सिखाती थी और डेकोरेट करने के काम भी आती थी। पर एक बुक ने जो स्ट्रेंजेस्ट काम किया था वो अर्थ को मार्शियन अटैक से बचाना था। क्या आपने 2040 के मार्शियन अटैक के बारे में कभी सुना है? अब तो स्कूल में बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाते। क्या आपको पता है ये इन्वेशन कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि एक बुक ने ऐसा होने से बचा लिया। तो वो कौन सी बुक थी जिसने एक मार्शियन इन्वेजन को रोक दिया? क्या वो एक एनसाइक्लोपीडिया थी या फिर एक बुक जिसमें रॉकेट्स और मिसाइल के बारे में लिखा था, या कोई आउटर स्पेस के बारे में सीक्रेट फाइल? पर नहीं, इनमें से एक भी नहीं। तो चलिए फिर आज हम यही देखते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि 2040 में क्या हुआ था। ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? अरे तुमने तो मेरी तारीफ का कुछ हिस्सा बोला ही नहीं, वापस बोलो। ओके सर। ओ ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, मार्स और उसके टू मून्स के रूलर, इस पूरे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल क्रिएचर, आपके क्या ऑर्डर हैं? हाँ, ये फिर भी ठीक है। मुझे वो कौन से छोटे मोटे प्लेनेट को ढूंढने जा रही सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करना है। क्या नाम है उस जगह का? अर्थ, योर इंटेलिजेंस। हाँ अर्थ, ठीक है। वो तो वैसे भी बहुत छोटी मोटी जगह हैं, पर उनसे बात करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट है। जाओ मेरा मिरर लेके आओ। इट शैल बी डन सर। मेरे हाथ के कांच, एक कांच बताओ, इस पूरे यूनिवर्स में कौन सबसे ज्यादा फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड और कौन है? आप सर। अरे तुम अगली बार थोड़ा जल्दी आंसर देना, मुझे स्लो मिरर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हम मार्शियंस हैंडसम नहीं है? हम तो उन गंदे दिखने वाले छोटे सर वाले अर्थलिंग से कहीं ज्यादा अच्छे दिखते हैं। नूडल, तुम अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करते रहो, एक दिन तुम्हारा भी सर मेरे जैसा बड़ा हो जाएगा। ओह, आई होप सो माइटी थिंक टैंक, मैं आशा करता हूँ। चलो अब स्पेस प्रोब से बात करो, मुझे उस छोटी सी बॉल अर्थ को इन्वेट करना है। ठीक है सर। सर, वो लोग अर्थ जैसी जगह पर एंटर हो गए हैं। अरे वाह, उनसे बात करो जरा। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयटा, सर्जेंट ओओपी और मैं अर्थ तक बिना किसी इंसिडेंट के पहुंच गए हैं। हमने एक स्क्वायर सी जगह पर शेल्टर लिया है। क्या आपको पता है
ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने ऐसी 2000 चीजें यहाँ पर काउंट करी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। शायद ये कोई स्टोरेज की जगह है। आपका क्या सोचता है सर शटोबी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ये हैंड जैसी लग रही है। अब तो हमें इस बारे में माइटी थिंक टैंक ही बता सकते हैं। तुम जरा उस चीज को थोड़ा ऊपर उठाओ ताकि मैं उसे अच्छे से देख सकूं। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि ये क्या है, क्योंकि ये अर्थलिंग्स हमेशा ही कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ये जरूर रिफ्रेशमेंट सेंटर होगा। क्या एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड? जो तुम्हारे हाथ में है वो एक सैंडविच है। एक सैंडविच? सैंडविचेस अर्थ की मेन स्टेपल डाइट है। उसको तुम जरा गौर से देखो, उसमें 2 स्लाइसेस हैं जिससे ब्रेड कहते हैं, और उसके बीच में कोई फिलिंग जैसी चीज है। That is correct, sir. अपने ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम उसे खाओ। Eat it? क्या तुम्हें मुझ पर कोई डाउट है? नहीं नहीं, लेफ्टिनेंट अर्टा ने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। लेफ्टिनेंट अर्टा, मैं तुम्हें ये सैंडविच खाने का ऑर्डर देता हूँ। इसे खाना? ओ कैप्टन, ये एक बड़े ऑनर की बात है कि मैं पहली बार ट्रेन होंगी जो सैंडविच खाएगी, पर मैं मेरे सर्जन के पहले कैसे खा सकती हूँ? आई ऑर्डर यू, तुम उस सैंडविच को जल्दी से खाओ सर्जेंट ओओपी। मैं तुम्हें सैंडविच कैसा लगा? क्या वो डिलीशियस नहीं है? That's correct. ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग बिना पानी के इसे गले के नीचे कैसे उतारते हैं। सर, मेरे दिमाग में सैंडविचेस के लिए एक इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा आया है। वैसे तो वो कुछ काम का नहीं होगा, लेकिन चलो अब बोल ही दो। मैंने इनके बारे में कहीं पर देखा था कि ये लोग इसे खाते नहीं हैं, इसे कुछ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं। हाँ, मैं यही तो बोलने वाला था। ये किसी टाइप के कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। चलो बोलो, कौन कभी गलत नहीं होता? तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें से सुनने की कोशिश करो। Listen to them. क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? क्या तुम्हारे कानों में पत्थर भरे हुए हैं? मैंने बोला उसे सुनो। कुछ भी नहीं सुना। शायद हम गलत फ्रीक्वेंसी पर हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अर्थलिंग्स के कान आपसे कहीं ज्यादा अच्छे हो। क्या किसी ने बोला कि माइटी थिंक टैंक ने गलती करी? नहीं सर, नहीं सर, हम सुनने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक और बात मेरे दिमाग में घूम रही है। चलो अब उसे भी बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए क्लेरिफाई कर दूंगा। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि सैंडविचेस ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं होते, वो लोग उसे खोल कर अंदर देखते रहते हैं। मैं तुमसे सहमत हूँ, सैंडविचेस ईयर कांटेक्ट के लिए नहीं, आई कांटेक्ट के लिए होते हैं। अरे कैप्टन ओमेगा, वहाँ पर एक लार्ज कलरफुल सैंडविच है, उसे उठाओ, शायद उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट दिखाई दे जाए। ये तो अर्थलिंक्स की पिक्चर जैसा दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर कोई तरह का कोड भी लिखा हुआ है। कोड? कैसा कोड? देखो,
मैंने तुम्हें बोला था कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है। चलो मुझे बताओ कि ये कैसा कोड है। ये छोटे छोटे से डॉट्स में लिखा है, हजारों की क्वांटिटी में फोटो के साथ। हमने जैसा सोचा था कि अर्थलिंग्स प्रिमिटिव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उस कोड को समझना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हें विटामिन्स दिए हैं, तुम उसे जल्दी से पी लो और फिर इसको देखकर पता करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें कोड पढ़ना आ जाए। एक्सीलेंट, चलो अब बताओ कोड को पढ़ो। ओके सर। सैंडविचेस में क्या लिखा है मुझे जल्दी से बताओ। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्री, हाउ डस योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मीट्स ऑल इन अ रो। इमेजिन करो, प्रिटी मेड्स गार्डन में ग्रो हो रही है। रुको, ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है। क्या तुम लोग इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे हो? अर्थलिंग्स ने ये डिस्कवर कर लिया है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग साथ में कैसे कर सकते हैं। अब वो लोग रेयर मेटल्स और एक्सप्लोजिव चीजें आराम से उगा सकते हैं। नोडल, अपने इन्वेजन फीड से कांटेक्ट करो, जल्दी जल्दी। वो रेडी हैं सर, वो अभी जाकर अर्थ को ख़त्म कर सकते हैं। अरे उनको रुकने के लिए बोलो, उनको बताओ हमारे पास अर्थ की एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। हाँ सर, ये भी है। टिटल टिटल है, है टिटल टिटल, द कैट एंड द फिडल, द कॉम जंप्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। अरे तुम्हारी हंसी बंद करो, ये लोग हाईली सिविलाइज्ड हैं। क्या तुमने सुना नहीं, उन्होंने अपने एनिमल्स को म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक सिखा दी है। इवन उनके डॉग्स में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी काउस का एक इंटरप्लेनेटरी अटैक करने वाले हैं। जल्दी से नेक्स्ट कोड को ट्रांसक्राइब करो। हम्टी डम्टी से धनवाल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। तो देखो सर, यहाँ पर हम्टी डम्टी का एक पिक्चर है। ही लुक्स लाइक अरे ये तो मैं हूँ। He had a great fall, याने वो मुझे और मार्स सेंट्रल कंट्रोल को कैप्चर करेंगे। नोडल, मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। वो जो लोग अर्थ पर गए हैं उन्हें भी जल्दी से वापस आने का बोलो और कहो कि अपने से और उनको कहो कि अपने वहाँ पर आने के ट्रेसेस बिल्कुल हटा दें, ताकि किसी को पता ना चले। भागो भागो, तीनों वहाँ से जल्दी भागो। हम कहाँ जाएं सर? मार्स से बहुत दूर। इन्वेजन फ्लीट को बोल दो कि वो जल्दी से सब कुछ बंद करके मार्स को इवैक्यूएट कर दे और सबको अल्फा सेंचुरी पर शिफ्ट कर दे। तो देखा आपने किस तरह से एक ओल्ड नर्सरी राइम बुक ने मार्शियन इन्वेजन से अर्थ को बचा लिया। जैसा कि आप सभी को पता है, अर्थलिंग्स ने 25th सेंचुरी में ये सब होने के कुछ 100 सालों के बाद ही मार्शियंस से कांटेक्ट को रिज्यूम कर लिया और हम मार्शियंस से बहुत फ्रेंडली हो गए और ग्रेट माइटी थिंक टैंक की जगह अब एक बहुत क्लेवर मार्शियन आ गया है और वो है क्लेवर नूडल। और हाँ, हमने मार्शियंस को बुक और सैंडविच का अंतर भी सिखा दिया। वहाँ पर हमने उनकी कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में एक मॉडल लाइब्रेरी भी खोली। हाँ,
पर आप सोच ही सकते हैं कि वो एक कौन सी बुक थी जो मार्शियंस अपने पढ़ने के लिए नहीं ले गए। वो थी मदर गूज़।